आप जो बता रहे हैं सर, मैं एक और बड़ी खबर दिखा रहा हूं। वेस्ट बैंक में आइडिया फॉर हमास लड़ाकों में जंग, ब्रेक करिए विद द वीडियो। तुलकम के नूर शम्स कैंप में आमने सामने की लड़ाई, ये देखिए। नूर शम्स कैंप में कई इमारतों में लगी आग, ये देखिए जरा। आईडीएफ के कई वाहनों में भी आग लगाई गई। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। वेस्ट बैंक के चप्पे चप्पे पर आईडीएफ सैनिक मौजूद, ब्रेक करिए विद वीडियो, दिखाइए। हर एक वाहन की तलाशी कर रहे हैं आईडीएफ के सैनिक, ये देखिए जरा। एम्बुलेंस को रोक के तलाशी ली जा रही, सीधे आइए। वेस्ट बैंक में जो घमासान चल रहा है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं, सीधे आइए। अब वेस्ट बैंक में घमासान, ये देखिए बड़ी खबर, फिलिस्तीनियों की मौत। वेस्ट बैंक में 278 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, 70 बच्चों की मौत हो गई है, 477 2023 में लोगों की मौत हो चुकी है, 3607 फिलिस्तीनी घायल हैं, 552 बच्चे घायल हैं, 7 अक्टूबर के बाद के आंकड़े। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हमास ने जारी किया वार्निंग वीडियो, ब्रेक करिए विद वीडियो, दिखाइए जरा। हमास ने कहा वक्त खत्म हो रहा है, विद वीडियो दिखाइए जरा, ये देखिए। एमएन साहब, बंधकों की रिहाई को लेकर दी चेतावनी, कुछ बंधकों की मौत का वीडियो जारी किया, यह हमास ने वार्निंग वीडियो जारी कर दिया, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये देखिए हमास का वार्निंग वीडियो। यह इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, हमास ने जारी किया वार्निंग वीडियो, ये देखिए जरा। बंधकों की रिहाई को लेकर वार्निंग वीडियो जारी किया है, हमास ने वार्निंग वीडियो जारी किया है। इस सब के बीच में देखिए एक और बड़ी खबर, हमास और आईडीएफ में आमने सामने की जंग, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो, दिखाइए जरा, ये देखिए। हमास ने आईडीएफ चौकियों को बनाया निशाना, ये देखिए। आमिन साहब, हमास के हमले में आईडीएफ सैनिकों की मौत, ये देखिए जरा, ये देखिए जरा। मारे गए आईडीएफ सैनिक के हथियार भी लूटे, ये बड़ी खबर आ रही है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। हमास ने जारी किया वीडियो, इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर गाजा में, ये देखिए। सिर्फ ब्रेकिंग लीजिएगा मेरे बगल में, आज की बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर, गाजा में टारगेट पर हमास लीडर याया सिनवार, बड़ी खबर। सिनवार की तलाश में जुटी आईडीएफ की स्पेशल टीम, बड़ी खबर। सिनवार को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का फरमान जारी, सिनवार की तलाश में फिलिस्तीनी भी कर रहे मदद, पकड़े गए हमास लड़ाकों से पूछताछ जारी। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट, याया सिनवार के ऊपर करीब $4 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है, ये देखिए। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सिनवार का अंत तय है, आईडीएफ शिनबेट मोसाद की स्पेशल टीम तलाश में जुटी है, ये देखिए जो जानकारी हमारे पास आ रही है। दक्षिण गाजा में सिनवार के छिपे होने की खबरें आ रही हैं, ये बड़ी खबर है। खान यूनिस, यराफा में सिनवार के छिपे होने की आशंका है, इजिप्ट के रास्ते भागने की फिराक में है सिनवार, ये रिपोर्ट आ रही है। सिनवार से नाराज फिलिस्तीनी भी तलाश में मदद कर रहे हैं, ये भी जानकारी है। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये वाली खबर लीजिए, ये वाली वॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट, और सीधे चलिए मेरे साथ अनुज सर हैं। अनुज सर, सिनवार कब पकड़ा जाएगा, सवाल ये खड़ा होता है। देखो निशान, सिनवार कब पकड़ा जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर दे पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि सिनवार कब पकड़ा जाएगा ये कह नहीं सकते, लेकिन ये निश्चित आप मान लें कि वो उसके दिन गिने चुने रह गए हैं और वो बहुत जल्दी पकड़ा जाने वाला है। उसकी मैं वजह पहले भी आपको बता चुका हूं कि उसकी वजह यह है कि जो फिलिस्तीनियों के ऊपर प्रेशर है, फिलिस्तीनी जो उसके उसके खिलाफ खबर देने के लिए अब आतुर हो रहे हैं ताकि वो पकड़ा जाए और शायद इसमें इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में कोई थोड़ी सी ढील हो, तो मुझे लगता है कि कुछ हार्ड इंटेलिजेंस उनको मिलने वाली है और दुनिया के किसी भी कोने में सिनवार छुपा हो ये मोसाद। लेकिन एक और बड़ी बात है, मैं इसके साथ वीडियो दिखा रहा हूं कि किस तरीके से हमास ने वीडियो जारी किया है हॉस्टेजेस का,
कतर में इजराइल और इजराइल की मुलाकात हुई है, सीक्रेट मीटिंग हुई है यूरोपियन कंट्री की, कतर में, यूरोपियन कंट्री में कतर और इजराइल में मुलाकात हुई है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए किसी तरह ये कहीं कहां चला गया है, ये बहुत मुश्किल इसको पिन पॉइंट करना हो रहा है, लेकिन ये बहुत जल्द पिन पॉइंट हो जाएगा और इसका एक्चुअल लोकेशन मिलने के बाद इसको छोड़ेंगे नहीं, ये बात आप मान के चलें, और जब तक शनिवार को ये खत्म नहीं कर लेंगे ये लोग रुकने वाले नहीं है। सर अब मैं आपको जो खबर बता रहा हूं वो और चौंकाने वाली है। राजन सर आप जरा ध्यान दीजिएगा, जितने भी दर्शक हैं गाजा के बाद वेस्ट बैंक, लेकिन अब आज की सबसे खतरनाक खबर, हूती से जंग विश्व युद्ध की तैयारी, हूती से जंग विश्व युद्ध की तैयारी, हूती विद्रोहियों पर नकेल कसने की तैयारी। ब्रेक करिए इस वक्त की फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर, हूती से निपटने के लिए अमेरिका का नया अलायंस, ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन करेगा हूती की घेराबंदी। मिडल ईस्ट दौरे पर लॉयड ऑस्टिन करेंगे ऐलान, लाल सागर में इंटरनेशनल टास्क फोर्स चलाएगा अभियान। ब्रेकिंग और शॉर्ट लीजिए, हूती के खिलाफ एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल अलायंस आने के लिए तैयार, ऑपरेशन गार्जियन उसकी तैयारी की जा रही है। ये देखिए जरा लॉयड ऑस्टिन करने जा रहे हैं इसकी तैयारी।